नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू कंबोर सिरसा हरियाणा से आज फिर से आप लोगों के लिए छोटी सी जानकारी लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप लोग पुरानी वीडियोस को पसंद करते हैं, ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी। आज नए साल के अवसर पर आप सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं, और ये नया साल आप लोगों की जीवन में खुशियाँ लेके आए ऐसी मैं भगवान से आशा करता हूँ। और आप लोग इसी तरीके से जीवन में उन्नति करते रहिए, और साथ में अगर आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है पहले वीडियोस में, इसी तरीके से अपना प्यार जो है हमारे चैनल पे बनाए रखिए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए। अगर आपका कोई सुझाव रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए। साथ में अगर आप लोगों के दोस्त हैं जो टेक्नीशियन आप लोगों के दोस्त हैं, उनको आप वीडियोज़ को शेयर करिए, ताकि हम और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप लोगों के साथ साझा करते रहें। आने वाले समय में हम आप लोगों के लिए लाइव सेशन लेके आएंगे हमारे YouTube चैनल पर। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है, ताकि जब भी मैं लाइव रहूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, और आप लाइव आके अपने जो सवाल हैं, आपके मन में जो डाउट्स रहते हैं वीडियोस पे, या आपके मन में जो डाउट्स आते हैं आपके पास जो रिपेयरिंग के लिए काम आता है, तो आप वो डाउट्स जो हैं वो क्लियर करने के लिए आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो सवाल हैं उनका जवाब देने की कोशिश वहां पे लाइव पे करूंगा। तो इस तरीके से हम इस चैनल को आगे लेके जाएंगे। और आज का जो टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। आज हमारे पास एक सेट आया जिसमें कुछ प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो किस तरीके से हमने उसको सॉल्व किया है तो आपको उस वीडियो में सारी डिटेल मैं दूंगा। और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं वीडियो पे। दोस्तों, आज हमारे पास एक 32 इंच का LED TV आया है स्मार्ट, जिसका बोर्ड नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं VS.SP35851। ये एक इसके अंदर बोर्ड लगा हुआ है, 512 4GB का बोर्ड है। यहाँ पे आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, और यहाँ पे इसका EMMC है, जो ये भी आप देख सकते हैं। ये 512 और 4GB का बोर्ड है, नॉन HD बोर्ड है, और इसमें BOE का पैनल लगा हुआ है। सबसे पहले जानते हैं कि इस बोर्ड के अंदर क्या समस्या आ रही है, और किस तरीके से इस तरीके का अगर प्रॉब्लम आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। पूरी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों, जब हम इसमें वाईफाई सिग्नल देके यहाँ पे यूट्यूब को ऑन करते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे हम यूट्यूब पे ओके करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा दिस सेक्शन इज़ नॉट अलाउड लिखा आता है, और यूट्यूब इसमें काम नहीं करता है, क्योंकि इसका जो वर्जन है वो हम सबसे पहले चेक करते हैं। इसमें 4.4 वर्जन है। यहाँ पे हम अबाउट में जाएंगे तो यहाँ पे इसका एंड्रॉयड वर्जन जो है वो 4.4 वर्जन है। इस कारण से जो 4.4 वर्जन है उसमें YouTube जो है वो सभी बोर्डों में बंद हो चुका है। तो इस बोर्ड को जो अभी मैंने आप लोगों को बताया SP35851 सीरीज का जो बोर्ड रहता है, इसको हम अपडेट कर सकते हैं पेनड्राइव से अपनी फाइल अपडेट फाइल डाल के। इसको किस तरीके से अपडेट करना है, कौन सा वर्जन डाल रहा हूँ, सारी डिटेल आप लोगों को बताऊँगा। इसको अपडेट होने के बाद आप इसके अंदर यूट्यूब और जो ऐप हैं वो सारी चला सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं अपडेट, और देखते हैं किस तरीके से अपडेट होता है और किस तरीके से इसके अंदर जो बाकी जो ऐप हैं वो चलते हैं। तो अभी इसको मैं एक बार ऑफ़ कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जैसे ही मैंने पहले ही आप लोगों को बताया, जब भी सॉफ्टवेयर करते हैं तो आपको इस बोर्ड का नंबर, और दूसरा इसमें कौन सा रैम है, 512 4GB का है तो अपने को 512 4GB की फ़ाइल चाहिए। HD रेडी पैनल है, नॉन HD तो आपको नॉन HD फाइल चाहिए। तो हम फाइल इसकी लेके इसको अपडेट करते हैं। अब हम अपने लैपटॉप पर आ गए हैं, और पेनड्राइव में मैंने एक फ़ाइल ली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसका नाम VS-S35880-512M। ये एक बिन फाइल है हमारे पास, और ये बिन फाइल हमने अपने पेनड्राइव के अंदर रखी है, और अब हम पेनड्राइव से अपने बोर्ड को अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले हम पेनड्राइव को यहाँ से निकालते हैं, और फिर इसको हम अपने बोर्ड में लगा के अपडेट करते हैं। यहाँ पर मैं पेनड्राइव को निकाल रहा हूँ, तो ये पेनड्राइव को हमने सेफली निकाल लिया है।
यहाँ पे मैंने जो अपनी पेन ड्राइव है 4 GB की, जिसमें हमने फाइल ली है, वो यहाँ पे मैंने अपने स्पॉट में लगा दिए इसके USB में। और अब हम बोर्ड को पावर देंगे। यहाँ पे हम इसके पावर की जो है उसको दबा सकते हैं आप। और अगर पावर की के बिना ही ले लेता है तो ठीक है, नहीं तो आपको पावर की प्रेस करके रखना होता है इसको, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट होने लग जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपग्रेडिंग सॉफ्टवेयर, और प्लीज़ डू नॉट टर्न ऑफ। इसके बीच में आपको इसको ऑफ नहीं करना है, पावर ऑफ नहीं करना है जब तक ये 100% सक्सेसफुल नहीं होती है। तो अभी ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं LED जो है यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा, यहाँ पे देखिए रेड ग्रीन यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रही है, इसका मतलब हमारी जो फाइल है वो इसके अंदर अपडेट हो रही है। तो ये अभी अपडेट हो रही है, मैं इसको अपडेट करने के बाद आप लोगों को चला के दिखाता हूँ इसको। यहाँ पे देख सकते हैं 100% ये सक्सेसफुल हो चुका है। और अब हम इसको पेन ड्राइव को निकालेंगे। हमने पावर ऑफ किया है सेट को, और ये जो पेन ड्राइव हमने इसमें लगाई थी इसको निकाल लिया है हमने। अब हम अपने सेट को ऑन करके देखते हैं। यहाँ पे पेन ड्राइव निकालने के बाद अब हमने सेट को ऑन कर दिया है। फर्स्ट टाइम जब आप अपडेट करने के बाद ऑन करते हैं तो कुछ समय लेता है आपका टीवी, तो इसको मैं थोड़ा पॉज करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टीवी जो है वो ऑन हो गया। और इसके अंदर ये जो चाइना का नॉर्मल रिमोट आता है, ये रिमोट अभी वर्क कर रहा है और टीवी हमारा ऑन हुआ है। सबसे पहले हम इसका वर्जन चेक करते हैं अपडेट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हम जाएंगे ऑल एप्स में, यहाँ पे अबाउट का ऑप्शन है, अबाउट पे ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने एंड्रॉयड वर्जन चेक किया है तो यहाँ पे 4.4 वर्जन था, अभी ये अपडेट होके 8 हो चुका है। तो इस कार्ड को आप पेन ड्राइव फाइल से, पेन ड्राइव की फाइल है उससे अपडेट कर सकते हैं। तो ये जो वर्जन है 8 हो गया है। अब इसके अंदर यूट्यूब है या कुछ और ऐप्स हैं वो आप इसके अंदर चला सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये 512 MB का इसका रैम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐप ऑन करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, यूट्यूब जो है ऐप वो ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से आप इस बोर्ड को अपडेट कर सकते हैं एक फाइल से। अपडेट करने के बाद आपका जो टीवी है वो यूट्यूब या अन्य ऐप जो है वो सपोर्ट करने लग जाता है। अगर 4.4 वर्जन अगर आपका सेट रहता है तो आप उसके अंदर कोई भी ऐप्स, ये जो यूट्यूब है या दूसरे ऐप हैं, वो नहीं देख सकते। तो इस तरीके से हमने इस बोर्ड को अपडेट किया है। मैं बोर्ड भी दिखाता हूँ आप लोगों को फिर से एक बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बोर्ड है VSSP 35851, ये 512 4 GB का बोर्ड है जो कि 4.4 वर्जन में था। अभी हमने इसके अंदर जो फाइल है वो अपडेट कर दी है और अभी ये जो सेट है हमारा 8 वर्जन में चला गया है। और अभी अपडेट होने के बाद अभी इसके अंदर जो हमारी ऐप्स हैं वो चलेंगी, काम करेंगी। तो इस तरीके से आपके पास इस तरीके का जो बोर्ड आता है उसको आप आसानी से अपडेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।